गंज थाना क्षेत्र के लौटना गांव में शिवरात्रि मेले में दो पक्षों में हुए झगड़े को सुलझाने गए कांस्टेबल पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल की ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। मामले में पिंडवाड़ा, रोहिड़ा और स्वरूपगंज थाने सहित कई थानों के थाना अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपियों की तलाश में जुट गए। इस दौरान अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग 8 टीमें गठित की गई और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। वहीं शव को स्वरूपगंज से सिरोही पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर एसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कांस्टेबल की ऑन ड्यूटी शहीद होने का मामला है, ऐसे में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्यवाही अब तक कहां तक पहुंची है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी घटना है वो स्वरूपगंज थाना क्षेत्र की लोटाना की घटना है, जहां पर आदिवासी क्षेत्र में शिवरात्रि के को लेकर मेला भरा हुआ था और मेले के दौरान अज्ञात जो बदमाश है उन बदमाशों ने इस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और चाकू से हमला करते हुए इसकी हत्या कर दी। जो सिपाही कांस्टेबल है निरंजन सिंह, वो नागौर के बोटन का निवासी है और उसके शव को फिलहाल जो सिरोही पुलिस लाइन ला के और यहाँ से उसको अपने गांव जो है उनको रवाना कर दिया गया है। वहीं एसपी जो अनिल कुमार है उनके नेतृत्व में 8 टीमें गठित की गई है। कुछ नामजद जो लोग हैं उनको उठाया गया है, फिलहाल पुलिस इनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि कौन बदमाश थे, किन बदमाशों ने इन पर चाकू से वार किया और इस तरह से निर्मम हत्या कर दी। तो पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। वहीं जिस प्रकार से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक कुमार अशोक गहलोत है, उन्होंने भी ट्वीट कर जो शहीद जो कांस्टेबल है उसको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वहीं जिस प्रकार से जो इस प्रकार से घटना हुई है उसको लेकर भी जो पुलिस जो महकमा है उसमें शोक की लहर है, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि कांस्टेबल की ऑन ड्यूटी मामला है, जहां आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित की गई है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।